हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग देखेंगे बुद्धिज्म को। कॉपी अपना निकाल लीजिए फटाफट से, मैं कुछ बेसिक आपको बताऊंगा बुद्धिज्म के बारे में। हम लोग बुद्धिज्म देख रहे हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में। चलिए लिखना स्टार्ट करिए बुद्धिज्म के बारे में कुछ ना कुछ। आपको लग रहा है कि आखिर जैसे कि जो बुद्धिज्म है या फिर जैनिज्म है, ये सब सेक्ट 6th सेंचुरी के आसपास में आखिर क्यों, मतलब आखिर ये निकल के क्यों आ रहा है बुद्धिज्म और जैनिज्म और अजीविका सेक्ट वगैरह? तो आपको ऐसा महसूस होगा कि अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज में, हालांकि अर्ली वैदिक एज मतलब बहुत बेटर है, लेकिन जो लेटर वैदिक एज में बहुत सारी ऐसी ऐसी प्रैक्टिसेस मतलब विद इन हिंदू रिलीजन में आ गई थी, जिसकी वजह से कि बहुत सारे जो कॉमन पीपल है उसके लिए बहुत सारे प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल हो जा रहा था। ठीक है, तो और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन इतने ज़्यादा हो गए थे जिसके वजह से ये बुद्धिज्म जैनिज्म और अजीविका सेक्ट वगैरह फ्यूचर में निकल करके आए। तो जहाँ पर भी चीज़ें अगर मिसमैनेजमेंट होने लगती है तो फिर एक नया वे आता है, एक न्यू मूवमेंट आता है, एक न्यू रिवोल्यूशन आता है। अगर आप इंडियन हिस्ट्री में देखेंगे या ब्रिटिश की जो पॉलिसी, जो कि एक समय के बाद अगर आप देखेंगे कि वो 1600 में भारत आते हैं, फिर उसके बाद बहुत सारी उसकी पॉलिसी होती है, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो उनकी जो पॉलिसीज थी, जो उनकी पॉलिसीज की वजह से इंडिया में कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने देखा कि चेंज आया, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। फिर गांधी आते हैं 1915 में, फिर वो एक नेशनल मूवमेंट भी फिर वो पिकअप देते हैं। तो क्या हो रहा है कि एक जगह जब उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जब क्या हुआ कि जब ब्रिटिश की जो एग्रेसिव पॉलिसी थी इंडिया के खिलाफ वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, तो उससे क्या हुआ, जो पीपल की जो लाइफ है वो मतलब कि बेटर वे में नहीं चलने लगा। तो अब क्या हुआ, अब उसको चेंज करने के लिए एक कोई ना कोई आएगा, कोई ना कोई मूवमेंट चलेगा, तो उससे एक चेंज होगा। फिर हमने जब गांधी आते हैं 1915 में, फिर वो आपको चंपारण करते हैं, नॉन कॉपरेशन करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करते हैं, आपको क्विट इंडिया मूवमेंट करते हैं, फिर 1947 में हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिल जाती है। तो सेम ऐसे ही है, आप देख पा रहे होंगे कि 6th सेंचुरी BC के आसपास में अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, मतलब बेसिकली जो बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, जो अजीविका सेक्ट है, इस अभी इसलिए फ्लोरिश कर रहा है क्योंकि जो विदिन हिंदुइज्म में इतने ज़्यादा जो डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा, जो वर्णा सिस्टम बेसिकली आप बोल सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ जो बर्थ होने लगा, जैसे कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, तो मतलब ये सब जो मतलब जब इनको आप डिवाइड करने लगे, कैटेगराइजेशन करने लगे, जब आप इन चार कैटेगरी के लोगों को कि ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, तो इसमें जो पीपल मान लीजिए कोई शूद्र है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अगर कैपेसिटी अगर हो भी गई तो वो फिर भी वो प्रिस्ट नहीं बन सकता है। तो ये क्या है मतलब, तो आप देख पा रहे हैं, तो ये एक ऐसी पॉलिसीज जिसपे बर्थ के बेसिस पे जब मतलब चीज़ों को जब डिफाइन करने लगे तो पीपल को लगा कि नहीं भाई मुझे कुछ करना चाहिए, कुछ तूफानी करते हैं। तो बुद्धिज्म, जैनिज्म और अजीविका सेक्ट आपको देखेंगे कि 6th सेंचुरी BC में आता है। तो सेम आप इसी चीज़ को आप देखेंगे कि जब हम आगे जब पढ़ेंगे कि क्या बोल रहे हैं उसको बेटिकली, जो भक्ति और सूफी मूवमेंट है, आप देखेंगे कि 7th से लेकर 12th सेंचुरी AD के आसपास में भी भक्ति और सूफी सेंट बहुत ज़्यादा मतलब कि इंक्रीज होता है। उसके पीछे का भी क्या लॉजिक है, जब भी कोर रिलीजन में जब भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम आएगा कि जहाँ पर जो उसकी जो मेन फंक्शन है, जब भी उससे डिविएट चीज़ें होंगी तो वो वर्क नहीं करेगी प्रॉपर वे में, तो इसी कारण तो आप देखेंगे कि 7th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी के आसपास, फिर उसके बाद भक्ति मूवमेंट, फिर उसके बाद सूफी मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है। तो सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें एक जो पीपल के जो लाइफ है उसको ईज बनाने के लिए है, डिफिकल्ट बनाने के लिए नहीं है। जो रिलीजन है वो पीपल की लाइफ को ईज बनाता है, आसान बनाता है। इसी कारण आप देखेंगे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म, तो ये जो सेक्ट है 6th सेंचुरी BC के आसपास में ये एक निकलता है विद इन हिंदुइज्म से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना कुछ आपको बेसिक आप लिखिए थोड़ा सा बुद्धिज्म के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन जो होता है आप पाएंगे कि फैक्चुअल क्वेश्चन होता है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है भाई, जैसा क्वेश्चन है हमें वैसा भाई पढ़ना है, लॉजिक बड़ा सिंपल सा है, दिमाग लगाना नहीं है। लिखिए, फाउंडर लिखिए बुद्धिज्म का, आपने टॉपिक बना लिया है बुद्धिज्म, हेडिंग डाल दिया आपने, लिखिए उसमें फाउंडर लिखिए। पहला जो है फाउंडर, FOUNDER, फाउंडर लिखिए। गौतम बुद्धा लिखिए, गौतम बुद्ध, इनका बर्थ कब हुआ है फटाफट लिखिए। सेकेंड पॉइंट लिखिए, बर्थ लिखिए 563 BC में, लुम्बिनी में हुआ है इनका, कपिलवस्तु नेपाल में। ठीक है, आगे आगे लिखिए फटाफट। तो क्वेश्चन आपको यहीं से पूछता है, चाइल्ड का चाइल्डहुड नेम लिखिए, चाइल्डहुड नेम लिखिए फटाफट थोड़ा सा, चाइल्डहुड नेम इनका क्या है, सिद्धार्थ है, फटाफट से क्या लिखिए। आगे बढ़ते हैं, एक्टिव रहा करिए फटाफट थोड़ा सा। फादर नेम क्या है,
लिखिए फादर नेम, लिखिए सुदोधन, सुदोधन। मैं आपको उसका स्क्रीन बता देता हूं। SHUDODN, सुदोधन, ठीक है। ये कपिल वस्तु के मतलब थे, मतलब ये रूलर जो कि इलेक्टेड रिपब्लिक थे, आपको साक्ष्य क्लेम के ये लोग बिलोंग करते थे। लिखिए उसी के बगल लिख लीजिए, फादर नेम लिख लिया आपने सुदोधन, वो लिख लीजिए साक्ष्य क्लेम, मदर नेम लिखिए महामाया, लिख लिया आपने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद स्टेप मदर लिखिए प्रजापति गौतमी। हालांकि क्या होता है कि जैसे ही बुद्धा का जब बर्थ होता है तो उसकी माँ का डेथ हो जाता है, उसके बाद से जो उनको पालती है वो ये पर्टिकुलर जो लेडी है महा प्रजापति गौतमी, यही उनको पालती हैं, बढ़ाती हैं, ठीक है। वाइफ लिखिए यशोधर, इनका एक बेटा लिखिए, सन लिखिए यस, वाइफ लिखिएगा यशोधरा, यशोधरा सॉरी, हाँ यशोधरा लिखिएगा, सन लिखिए, सन लिखिए राहुल। इसका एक सारथी था, सारथी क्या था मतलब जो उसका साथी था, मतलब उसका नाम क्या है, उसका नाम है चन्ना, क्या नाम है, चन्ना नाम है, ठीक है। आप पाते होंगे कि जो बुद्धा जब क्या होता है कि जब बुद्धा का जब बर्थ होता है तो जो प्रीस्ट होते हैं उस समय उसको बताते हैं उसके फादर को कि आपके बेटे के अंदर दो लक्षण हैं, या तो ये बहुत बड़ा, बहुत ही मतलब क्या बनेगा, बहुत बड़ा, या तो ये किंग बनेगा, या बहुत बड़ा ये आप जो बोलते हैं उसे हम पर्टिकुलर क्या बोलते हैं कि मेडिटेशन वगैरह करके मतलब ये लोग मतलब निर्वाण की मतलब प्राप्ति करेगा, मतलब उस टाइप का मतलब बेसिकली, ठीक है। एक मतलब रिलीजियस की ओर चला जाएगा, मतलब रिलीजन की ओर, और एक तरफ जो ये बहुत बड़ा किंग बनेगा। तो उसके जो उसके फादर होते हैं वो सोचते हैं यार मतलब कि आप ही मुझे बताएं कि जो फादर होगा उसकी क्या चाहत होगी, मतलब वो रिलीजन की ओर चला जाए या फिर मतलब बेसिकली मतलब कि ऐसे मतलब प्रीस्ट वगैरह बन जाए या फिर वो एक बहुत बड़ा किंग बने। ऑब्वियस ही बात है यार, उसके जो फादर चाहेंगे कि वो क्या बने, वो क्या बने, वो बने रूलर। तो बचपन से ही उसको इतना ज़्यादा मतलब उसको महल में उसको रखना, उसको मतलब सारा कुछ उसको मतलब दे देना, मतलब कि जितनी भी सारे उसको एक लाइफ में जो भी चीज़ अच्छी होती है वो सारा उसको लग्जरीज प्रोवाइड कर देना उसके लाइफ में। लेकिन फिर होता क्या है कि जो प्रीस्ट जो बात बताता है कि मतलब इसका मतलब या तो ये बहुत बड़ा किंग बनेगा या एक बहुत बड़ा मतलब कि प्रीस्ट बनेगा। प्रीस्ट इन इस कॉन्टेक्स्ट में है कि मतलब जब बुद्धिज्म का जो रूल आप देखेंगे, जब उसको 35 साल में जब उनको मतलब मिलता है, जब उनको नॉलेज मिलता है, तो ये सब चीज़ मतलब चलता रहा, मतलब चलता रहा। तो काफ़ी दिन मतलब चला, तो इसके फादर ने चाहा कि हम इसका शादी करा दें अर्ली, तो मतलब इसको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। तो फिर क्या हुआ कि उनका 16 साल में उनका मैरिज करा दिया जाता है। तो मतलब ये मतलब एक तरह से मतलब देखा जा रहा है कि उनको पूरी फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड की मतलब की गई, लेकिन फिर भी उनका जो दिमाग और जो जहन है वो मतलब उस महल में नहीं लग रहा था। उनका एक दोस्त था, उसका नाम था चन्नी। तो चन्नी के साथ ही वो एक दिन बाहर निकलते हैं, ठीक है, अपने महल से बाहर निकलते हैं। तो फिर भाई आपको कहानी बताओगे, वो चार लोगों को देखते हैं, तो फिर वैसे आगे बढ़ रहा था मतलब बेसिकली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका फेवरेट हॉर्स लिखिए, उसका नाम था कांतक, ठीक है, फेवरेट हॉर्स। नॉलेज लिखिए, इनको नॉलेज कब मिला, 29 साल में, 29+6 लिखिए, 29 में इन्होंने घर छोड़ा और 6 साल में इनको नॉलेज मिल गया, 35 साल में। टीचर लिखिए, इनका जो टीचर, उनका नाम है अलार कलाम, ठीक है। और लैंग्वेज ऑफ टीचिंग लिखिए, इनका किस लैंग्वेज में ये मतलब टीचिंग करते थे, लिखिए पाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। लास्ट डिसाइपल इनके कौन थे, इनके लास्ट डिसाइपल थे सुभद्र, ठीक है, लास्ट डिसाइपल कौन थे, सुभद्र थे। उसके बाद लिखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ सरमन इन्होंने कहाँ पर दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। लिखिए सरावस्ती में मैक्सिमम नंबर ऑफ उन्होंने सरमन दिया था। लिखिए डेथ लिखिए 483 BC, 80 साल की उम्र में, कुशीनगर, ठीक है। इनके डेथ को क्या बोलते हैं वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बुद्धा जो बुद्धिज्म की है, इसके चार मतलब बेसिकली काउंसिल हुआ है, ठीक है। तो मैं उसका आपको एक ट्रिक मैं अपलोड कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसको तो मैं छोड़ देता हूँ, हालांकि चाहे तो आप उसको लिख सकते हैं, कोई मेरी बात नहीं है, आप उसको लिख ही लीजिए फटाफट। आप उसको चार बुद्धिस्ट उसकी काउंसिल हुए हैं, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल लिखिए,
प्लेस लिखिए, ऐसे उसको बनाइए फटाफट। आप फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ पे लिखिए, फिर उसमें इसको ऐसे बांटिए। प्लेस लिखिए, ईयर लिखिए, प्रेसिडेंट लिखिए और यहाँ पर किंग लिखिए। यहाँ पर किंग कौन है? ये प्लेस हो गया। 1 2 3 4 5 खंड में इसको बताइए। 1 2 3 4 5, ठीक है। फर्स्ट में लिखिए कहाँ पर हुआ है, फिर इसमें आप एक जगह आप लिखिए प्लेस लिखिए, यहाँ पे ईयर लिखिए, फिर यहाँ पर प्रेसिडेंट लिखिए, उसको किसने प्रेसिडेंट किया है, और यहाँ पे लिखिए किंग। लिखिए पहला लिखिए, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ है जब उनका डेथ हो जाता है बुद्धा का 483 में ही, तो राजगीर में होता है, ठीक है। राजगीर लिख लिया, और उसी पे लिख लीजिए सत्पनी केप में आसपास, सत्पनी केप, ईयर 483 लिखिए। प्रेसिडेंट महाकश्यप रहते हैं, और रूलर या किंग कौन है? अजातशत्रु है। सेकंड में लिखिए, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में होता है, जस्ट 100 साल आप इसमें से घटा दीजिए तो कितना हो गया? 383 BC। प्रेसिडेंट कौन है यहाँ पर आपको है? सबाकमी है, सबाकमी। और इसका आपको रूलर कौन है? कालासोक। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल लिखिए, प्लेस लिखिए पाटलिपुत्र, ईयर लिखिए 250 BC। प्रेसिडेंट कौन है? मोगाली पुत्ता तित्सा। रूलर कौन है पता ही है, अशोक है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल लिखिए, याद रखिएगा पहला बुद्धिस्ट काउंसिल है जो कि बिहार के आपको बाहर हुआ है, वो कौन सा आपको? वो आपको ये है कश्मीर वाला। लिखिए फर्स्ट सेंचुरी AD में हुआ है बेसिकली। इसको प्रिसाइड किया है वसुमित्र, और किंग कौन है आपको? कनिष्क। तो ये था आपको, और इससे यकीन मानिए एक क्वेश्चन आपको हमेशा आपको टकराएगा एग्जाम में, ठीक है। और क्या क्या आपके पास अगर एक समय है तो आप उसमें ये भी लिख सकते हैं आप कौन से बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या क्या हुआ है। लिखिए जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल में, उसमें कुछ लिखिए स्पेशल फ्यूचर लिखिए। यहाँ पे जो उसका दो पिटक है, विनय पिटक और सुत पिटक, ठीक है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में जो विनय पिटक है और सुत पिटक, मतलब विनय पिटक को किसने लिखा है उसको लिखिए, जैसा उपाली ने लिखा है, और सुत पिटक को किसने लिखा है? आनंद ने लिखा है, ठीक है। और इसमें फर्स्ट में ही हुआ था, क्या हुआ था? एक और चीज हुआ था, विश्व शांति स्तूपा जो है कंस्ट्रक्ट किया गया था अजातशत्रु के द्वारा। लिख लीजिए, विश्व शांति स्तूपा वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द अजातशत्रु। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में उसकी स्पेसिफिक लिखिए, अस्थावीर और महासंगिका जो सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म है वो डिवाइडेड हो गया, ठीक है। अस्थावीर और महासंगिका जो बुद्धिज्म है वो उसमें डिवाइडेड हो गया। थर्ड में लिखिए, थर्ड में आप लिखेंगे कि कंपाइलेशन ऑफ अभिधम पिटक, ठीक है। थर्ड में क्या हुआ है? कंपाइलेशन ऑफ अभिधम पिटक, और अभिधम पिटक को किसने कंपाइल किया है? मुगाली पुत्ता तिस्ता, मुगाली पुत्ता तिस्ता, ठीक है। फोर्थ में लिखिए, फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ में क्या होता है? एक बड़ा काम होता है, बुद्धिज्म जो है वो दो भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। समझते हैं आप हीनयान और महायान में क्या अंतर होता है? लिखिए फटाफट, उसको लिखना जरूरी है। इंपॉर्टेंस क्या था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का? महायान और हीनयान जो है, मतलब दो इंपॉर्टेंट सेक्ट में ये डिवाइड हो गया। जो महायान है और जो हीनयान है, देखिए हीनयान जो है ये आपको ओरिजिनल बुद्धिज्म है, ठीक है। ये लैंग्वेज कौन सा यूज करेंगे? पाली। और जो महायान कौन सा लैंग्वेज यूज करने लगेंगे? संस्कृत। आपको क्या लगता है इसमें से कौन कंजर्वेटिव होगा और कौन लिबरल होगा? हीनयान जो है आपको कंजर्वेटिव है, ठीक है, और महायान क्या है आपको? लिबरल है, ठीक है। और जो हीनयान जो है ये बुद्धा को एज ए गॉड मतलब नहीं कंसिडर करते हैं, जो महायान है ये बुद्धा को एज ए गॉड कंसिडर करते हैं, ठीक है। यहां से आप बोल सकते हैं तरह से। और जो हीनयान है ये आपको वेजिटेरियन है, महायान जो आपको नॉन वेजिटेरियन है, आप ऐसा आप लिख सकते हो मतलब, ठीक है। और इसका ठीक है, ठीक है, बस इतना ही आप इसको याद रखिए, महायान और हीनयान खत्म हो गया। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट से। देखिए एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है इसके अंदर, डॉक्ट्रिन, चार नोबल ट्रूथ बुद्धा ने बताए हैं, ठीक है। चार नोबल ट्रूथ मतलब वो बोलते हैं कि आखिर
लिख लीजिए, आप पहले आप लिख लीजिए, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो, पहला है उनका जो वर्ल्ड है वो फुल फुल ऑफ सोरो है। सेकंड लिखिए, उसके पीछे का रीजन क्या है, डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ द ऑल द सोरो, लिखिए डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द सोरोज, डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द सोरोज, सेकंड में हो गया। चौथा में लिखिए, निर्वाण कैन बी अटेंड बाय द कंकरिंग डिजायर, थर्ड लिखिए, निर्वाण कैन बी अटेंड बाय द कंकरिंग डिजायर, चौथा लिखिए, देयर इज अ पाथ टू सेसेशन ऑफ सोरो, देयर इज अ पाथ फॉर सेसेशन ऑफ सोरो। लिखिए भाई लिखिए, लिखना जरूरी है ना, फिर लिखेंगे ना फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। फिर ठीक है, तो बोलते पहला क्या है कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो, दूसरा क्या है डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ द ऑल द सोरोस, तीसरा क्या है निर्वाण कैन बी अटेंड बाय कंकरिंग डिजायर्स, चौथा क्या है देयर इज अ पाथ फॉर सेसेशन ऑफ सोरो। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे फटाफट लिखिए सर, आप समझ गए ना वो क्या करना चाह रहे हैं भाई, कि जो वर्ल्ड है फुल ऑफ सोरो है, आखिर आखिर फुल ऑफ सोरो क्यों है, उसके पीछे का एक कॉजेस क्या है, डिजायर है। जैसे कि हमारा डिजायर क्या है, जो भी आजकल जो कॉमन पीपल का डिजायर क्या होता है भाई, हमें मतलब ये करना है ये करना है ये करना है, वो डिजायर ही जो है वो आपका एक सोरो का कारण है। और बोलता है कि आप अपने जो डिजायर आप उसको निर्वाण के निर्वाणा कैन बी अटेंड बाय कंकरिंग डिजायर। ठीक है, और हर एक को जो सोरो का हर किसी का एक क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, लिखिए आप एट फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धा, लिखिए एट फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धा। पहला है राइट ऑब्जर्वेशन, सेकंड है राइट डिटर्मिनेशन, थर्ड है राइट स्पीच, फोर्थ लिखिए राइट एक्शन, फिफ्थ लिखिए राइट लाइवलीहुड, सिक्स्थ लिखिए राइट एफर्ट्स, सेवन्थ लिखिए राइट अवेयरनेस, एट लिखिए राइट कंसर्न्स। आप इसको अपने मेंस पे भी आप यूज कर सकते हैं, एस में भी यूज कर सकते हैं, और एथिक्स के पेपर में आप इसको यूज कर सकते हैं। इस एट फोर्थ पाथ को आप अपने इन कंक्लूजन में इस सबको बहुत इजीली आप इसको पुट कर सकते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। इसको पहला लिखा आपने राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट्स, राइट अवेयरनेस, राइट कंसर्न्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ कुछ सिंबल होता है। ठीक है, बर्थ का सिंबल क्या है बुद्धा का, जब वो पहले तो याद रखिए, पहले जब वो वॉम में होते हैं, जब माँ के जब वो गर्भ में होते हैं, उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लिखिए व्हाइट एलिफेंट, उसी के आगे लिखिए व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट लिखिए। जब उनका बर्थ होता है तो उस बर्थ को क्या किससे हम लोग सिंबलाइज करते हैं, लिखिए लोटस। सेकंड में लिखिए, जब बर्थ होगा तो क्या होगा भाई, वो यंग होगा। ठीक है, यंग होगा, ठीक है, तो यंग लिखिए, यंग में लिखिए बुल, यंग में लिखिए बुल, लिखिए फटाफट भाई, इसको लिखो मेरे दोस्त, बुल लिखो फटाफट, लीव होम लिखो। तो चौथा पॉइंट क्या है, लीव होम, उसको किससे दर्शाया गया है, लीव होम को हॉर्स से। ठीक है, पांचवा पॉइंट लिखिए टू गेट नॉलेज, उनको नॉलेज कहाँ मिला है भाई, दोस्त बताओ फटाफट, उनको नॉलेज कहाँ मिला है, पीपल के ट्री के नीचे में। ठीक है, फर्स्ट सर्मन लिखिए, छठा पॉइंट, 1 2 3 4 5 6, हाँ फर्स्ट सर्मन लिखिए, उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, व्हील से, किससे कर रहे हैं, व्हील से। और उस पर्टिकुलर पर्सन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो फर्स्ट सर्मन दिया जा रहा है, लिख लीजिए वहीं पर, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, डेथ लिखिए फटाफट, थोड़ा सा इनके डेथ को क्या बोलते हैं, डेथ को क्या बोलते हैं, लिखिए फटाफट थोड़ा सा, डेथ को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, स्टूपा से, लिखिए स्टूपा, STUPA, स्टूपा। और डेथ को क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाणा। ठीक है, इसी के आगे लिखिए फटाफट थोड़ा सा, ये खत्म हो गया है। ठीक है, लिखिए फोर्थ बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस वॉज कंडक्टेड बाय द हर्षवर्धन इन 630 AD,
फिफ्थ बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस वाज कंडक्टेड, चार बुद्धिस्ट काउंसिल तो हो चुका लेकिन ये क्या कॉन्फ्रेंस है, फिफ्थ बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस वाज कंडक्टेड बाय द हर्षवर्धन इन 630 एडी, द प्रेसिडेंट वाज हिंगसांग। ठीक है, आई होप कि आपने इसको लिख लिया होगा। जो फिफ्थ बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस है ये कंडक्ट हुआ था 630 बीसी में हर्षवर्धन के दौरान में, और उसको प्रेसिडेंट कौन कहता है, हिंगसांग ने, और वो कि इसी में इसी कोर्ट में आते हैं हिंगसांग आपको हर्षवर्धन में। ठीक है, अब लिखिए एक वज्रयान क्या होता है, वज्रयान बुद्धिज्म लिखिए। ये 7th सेंचुरी है, मतलब ये आपको डेवलप होता है, इसका जो सेंटर रहता है वो आपको ईस्टर्न इंडिया रहता है। ठीक है, वज्रयान का लिखिए इसको, दे वर्शिप तारा एज ए बुद्धाज वाइफ, वो तारा को एज ए बुद्धा वाइफ वो लोग कंसिडर करते हैं, कौन, वज्रयान बुद्धिज्म। ड्यू टू दिस सेक्ट बुद्धिज्म इज वे टू डिक्लाइन, लिख लीजिए, दे वर्शिप एज तारा एज ए बुद्धा वाइफ, ड्यू टू दिस सेक्ट बुद्धिज्म इज वे टू डिक्लाइन। पूरी तरीके से ये भी एक रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा नहीं सिर्फ यही रिस्पॉन्सिबल है, और ही मल्टीपल थिंग जो है वो वर्क कर रही है डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म के बारे में। आपसे पूछूंगा वो क्वेश्चन अभी, तो आपको बताना पड़ेगा अपने आंसर में। ठीक है, चलिए एक चीज लिख लीजिए, एडविन ऑर्नोट रोट ए बुक लाइट ऑफ एशिया ऑन द लाइफ ऑफ बुद्धा, इसको आप नोट पर लिख लीजिए, एडविन ऑर्नोट रोट ए बुक लाइट ऑफ एशिया ऑन द लाइफ ऑफ बुद्धा, किसने लिखा है, एडविन ऑर्नोट ने लिखा है इस बुक को लाइट ऑफ एशिया, क्वेश्चन बहुत मतलब आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, एक और लिख लीजिए, पवरम, पवरम क्या होता है, बहुत मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है पवरम के बारे में, पवरम इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेम है, पवरम, पवरम क्या होता है दोस्त, पवरम क्या होता है कि जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि चैत्य और विहारा, तो विहारा क्या होता है, विहारा रहने का जगह होता है, जैसे कि मान लो जब बुद्धिस्ट है जो पूरी साल उन्होंने अपने टीचिंग को स्प्रेड किया हेयर एंड देयर, उसके बाद क्या होता है जैसे ही रेनी सीजन आता है तो अपने बिहारा में आकर के मतलब वो रहते हैं, वो चार महीना या दो भी मतलब जो रेनी सीजन होता है वो अपने आप वहाँ पर रहते हैं, और वो क्या करते हैं एक दूसरे को आपने जो भी गलती किया है वो अपने आप को मिस्टेक मांग, मिस्टेक मतलब वो जो भी उनसे जो भी मिस्टेक्स हुआ है, जो भी गलतियाँ हुआ है वो एक दूसरे को बताते भी हैं, और वो अपने आप को जो भी उन्होंने किया है उसको लोग रिकॉल करते हैं मतलब बेसिकली। ठीक है, तो मतलब वही जो एक प्रोसेस है जो पवरम मतलब है, तो मतलब रहना पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर विहारा में। ठीक है, वही जो प्रोसेस है वही आपको क्या है, वो आपको पवरम का है। ठीक है, जब वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जो बिहारा में जो रहते हैं, स्टिंग प्लेस है। एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, लिखिए थोड़ा सा, बुद्धा का लास्ट पवरम कहाँ था, लास्ट पवरम ऑफ बुद्धा, या फिर बुद्धा लास्ट पव, बुद्धाज लास्ट पवरम लिख लीजिए इसको, बुद्धा का जो लास्ट पवरम था, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ब्रैकेट में लिखिए बुद्धाज लास्ट पवरम कहाँ पर है, बताइए बताइए, जरा सोचो भाई, लिख लीजिए वैशाली। मैं थोड़ा टाइम इसलिए लगाता हूँ ताकि रिकॉलिंग में आसानी हो जाए, आपको याद चीज़ें बहुत देर तक आपको रहेगी। ठीक है, पवरम क्या होता है, स्टे ड्यूरिंग रेनी सीजन में जो वहाँ के जो मॉन्क रहते हैं वो क्या आपको पवरम कहलाता है। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक बुद्धिज्म के बारे में, मैं इसके बाद आपको जैनिज्म में आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो जो आई होप कि मैं इसमें पूरा आपको बुद्धिज्म आपको डन करा दिया हूँ, सब कुछ आपने साथ लिख लिया होगा, मैं इसमें कुछ कुछ ट्रिक मैं अपलोड कर दूंगा अपने विदाउट वॉइस वाले में, आप उसको देख लीजिएगा, बहुत अच्छा अच्छा ट्रिक है क्योंकि आपको बुद्धिज्म को आपको हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा मतलब। ठीक है, और कुछ इसमें तो ऐसा रह तो नहीं किया, मुझे लग रहा है कि उसके लिए सब कुछ करा दिया हूँ। ठीक है, हीनयान हो गया है, महायान हो गया है, चलिए आप लिखिए मेंस का एक क्वेश्चन लिखिए सर, लिखो भाई लिखो लिखो, सो रहे हो दोस्त, सुना नहीं है, लिखिए कि कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, इसको आपको लिखना है, आपको पांच पॉइंट लिखना है, कितना पॉइंट लिखना है आपको, यू हैव टू राइट 5 पॉइंट, कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ द बुद्धिज्म। बाकी जो मैं इसका नेक्स्ट लेक्चर जो मैं लाऊंगा बुद्धिज्म पे, पहले आपको बता दूंगा क्या क्या कॉजेस था बुद्धिज्म को डिक्लाइन का। चलिए ठीक है, या फिर आप एक काम करिए, आप अभी लिखिए मेरे सामने लिखिए, आप, आपको 3 मिनट का टाइम देता हूँ, आप लिखिए अभी अपने अपने सोच के लिखिए फटाफट, थोड़ा सा कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म फटाफट सोचिए और लिखिए, मैं आपको 3 मिनट का समय देता हूँ,
आराम से आप लिखिए, पॉइंट में आप लिख सकते हैं। चलिए आई होप कि आपने लिखा होगा, आगे बढ़ते हैं। आप उसको लिखिए फटाफट, क्या क्या सोचा आपने। ये इसको बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग करना दोस्त, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एग्जाम में बहुत काम आएगा। अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए, सेहत के लिए अच्छा रहेगा। देखिए जो सबसे जो पहला काउज था डिक्लाइन का, आपको क्या लग रहा है जिसकी वजह से बुद्धिज्म आया था, जिस चीज़ को लेकर के कि वो उसके अपोज में था, वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर लेटर स्टेज में वही सारी चीजें इनके अंदर डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गई। इट बिकेम द विक्टिम ऑफ द सेम रिचुअल टेंडेंसीज। ये पहला पॉइंट है ये, जो कि इसको विच इट अपोज इन द इनिशियल स्टेज में। ठीक है, लिखिए पहला पॉइंट। इट बिकेम द विक्टिम ऑफ द सेम रिचुअलिस्टिक टेंडेंसीज विच इज अपोज इन द इनिशियल स्टेज। पहला पॉइंट हो गया ये। सेकेंड पॉइंट आपको क्या लगता है, बताएं थोड़ा सा। सेकेंड पॉइंट है कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क है, पहले वो लोगों के साथ मतलब जुड़े हुए रहते थे, अब वो क्या हो गए हैं, अब वो पीपल से कट ऑफ होने लगे हैं। सेकंड पॉइंट लिखिए, बुद्धिस्ट मॉन्क कट ऑफ फ्रॉम द कॉमन पीपल। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जब कट ऑफ भी हो मतलब हुए, और उन्होंने क्या कर दिया, पाली लैंग्वेज के जगह पे अब वो संस्कृत को एज ए लैंग्वेज यूज करने लगे। लिखिए उसी में सेम पॉइंट लिखिए, दे गिव अप पाली एंड अडॉप्टेड संस्कृत एज ए लैंग्वेज। ठीक है, उसका थर्ड पॉइंट लिखिए, आपको क्या लग रहा है। जैसे कि बहुत सारा जो पुस्तक में सुंगा वगैरह है, हुनाज बुलर है, तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये इसको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं बुद्धिज्म को। ठीक है, तो ये भी एक कॉजेज है। तो 360 डिग्री में आपको घुमा लिखना है भाई, सारा एंगल आपको कवरअप करना है। लिखिए तीसरा पॉइंट लिखिए, वेरियस लेटर रूलर्स प्रोसिक्यूटेड बुद्धिस्ट मॉन्क्स। सुंगा रूलर, पुस्तक में सुंगा एंड हुना रूलर्स मिहिकुल वर प्रोमिनेंट एमंग देम। ये आपने तीसरा पॉइंट लिख लिया। चौथा पॉइंट लिखिए, एक तो आपको बता दिया था ये वाला पॉइंट कौन सा था, बेसिकली जो वज्रयान बुद्धिज्म वाला। ठीक है, आप उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं कि वज्रयान बुद्धिज्म जो है वो तारा को एज ए वाइफ ऑफ बुद्धा मन कंसिडर कर रहे थे, उसके वजह से भी एक हो गया। ठीक है, एक और लिखिए इसमें जाके फटाफट था।
बाय द 7th सेंचुरी AD बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री बिकेम ए प्लेस ऑफ ईज लिविंग एंड सेंटर ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस। आपको 14 पॉइंट हो गया। तो ये करप्ट प्रैक्टिसेस कैसे हो गया, उसमें आप आगे लिख सकते हैं एनॉर्मस वेल्थ रिसीव्ड बाय द मॉनेस्ट्रीज, एनॉर्मस वेल्थ रिसीव्ड बाय द मॉनेस्ट्रीज फर्दर करप्टेड देम एंड वीमेन आर नाउ कंसिडर्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ लस्ट। ठीक है, तो ये सब मतलब बेसिकली था। और एक और आप स्टेटमेंट चाहे तो आप इसको लिख लीजिए, आप बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। उसका एक फेवरेट डिसाइपल था, उसका नाम था आनंद। तो इनिशियल स्टेज में क्या होता है, बुद्धा ने मना किया था कि बुद्ध कि विमेन को इंटर नहीं लेना है मोनेस्ट्रीज में। बुद्धा ने उसको कहा था, द बुद्धा इज रिपोर्टेड टू हैव सेड टू हिज फेवरेट डिसाइपल आनंद। लिखिए इसको थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको कहीं भी कोट कर सकते हैं। द बुद्धा is reported to have said to his favorite disciple Anand, if women were not admitted into the monasteries, Buddhism would have continued for 1000 years. Buddhism would have continued for 1000 years, but because this admission has been granted, it will last only 500 years. और ये बात बुद्धा की ये बात बिल्कुल सच निकली और बिल्कुल सही थी। आपको 5 causes हो गया। ठीक है, सो दोस्तों आई होप कि मैंने इस टॉपिक को जस्टिस किया हूँ आपके साथ। बाकी कुछ अगर पॉइंट अगर रह गया है तो आप उसे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बाकी मैं इसके बाद आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं इस पर क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा आपको घटना चक्र से, तो फिर वो आपके लिए बहुत ईज हो जाएगा। आप उसको आराम से आप उसको डाइजेस्ट कर जाएंगे। तो आई थिंक कि मैंने इसे पूरा कंप्लीट करा दिया हूँ। बाकी कुछ अगर आपको लग रहा है कुछ और, आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे अपने लेक्चर में और क्या ज़्यादा मतलब कि इम्प्रूवमेंट करने की मतलब नीड है, मैं कहाँ पे और क्या वर्क कर सकता हूँ और मैं क्या कुछ ऐड कर सकता हूँ। यार एक चीज़ पता होना चाहिए आपको कि देर इज़ ऑलवेज अ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि हर हमेशा चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट है, और आप चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट को अगर आप नहीं अगर कंसिडर करेंगे तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यू नीड टू एक्सेप्ट कि देर इज़ ऑलवेज अ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट। आप हर एक लाइफ में आपको चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट है, और चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट, चेंज होते रहना चाहिए। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।